बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, जमीन बंटवारे के चलते ही हुई हत्या। गरियाबंद के छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मोगरा में जमीन बंटवारे को लेकर पिता की पुत्र द्वारा हत्या करने के बाद आज छुरा पुलिस ने आरोपी को उड़ीसा सीमा से गिरफ्तार कर छुरा लाई, जहां कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। छुरा पुलिस को ग्राम मोगरा में हुए हृदय विदारक घटना को बताते हुए ग्रामीणों ने बतलाया कि यशवंत नागवंशी घर के जमीन को अपने नाम पर दर्ज कराने तथा जमीन की पट्टा मांग को लेकर झगड़ा विवाद करते हुए राजेश नागवंशी ने अपने पिता को लकड़ी के डंडा से प्राण घातक हमला कर हत्या कर गांव से फरार हो गया था, जिसे पुलिस अधीक्षक तुकाराम कामले के निर्देश पर आरोपी को आज उड़ीसा सीमा से गिरफ्तार कर छुरा लाया गया, जहां आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गांवों के कथन मार्ग इंटीमेशन और विवेचना के दौरान उसी का पुत्र यशवंत नागवंशी आरोपी निकला, जो कि घटना कार्य करने के बाद से फरार था। आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पेशल टीम और हमारे गठन करने के पश्चात आरोपी को उड़ीसा बॉर्डर ग्राम चुरके दादर के उस पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि जमीन बंटवारे को लेके वो नाराज था, इस वजह से उसने अपने पिताजी की।